आप मुझे सिर्फ ऐसे पांच कार्य दिखवा दीजिए क्योंकि आपने इसमें ग्यारह लिखे हाँ, पांच कार्य आप दिखा दीजिए बाईस विधायक को के टिकट कट सकते हैं क्योंकि उसमें विनोद चमोली का नाम तो शामिल नहीं लोकायुक्त को लेकर जब खंडूरी जी फैसला ले गए थे आपने क्यों नहीं ये फैसला लिया सरकार तो बनती है तो मुख्यमंत्री चुनाव होने जा रहा है उनके नेतृत्व भी चुनाव होने जा रहा नमस्कार आप देख रहे हैं दो का दम मैं हूं आपके साथ तिलक चावला आज बात होगी दो के दम में ऐसी शख्सियत की जो देहरादून की भीतर एक बड़ा नाम बड़ा चेहरा रहे पहले मेयर की भूमिका निभाई और फिर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे धर्मपुर के विधायक बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे विनोद चमोली इस वक्त हमारे साथ दो के दम कार्यक्रम में मौजूद है और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे सीधे सवाल और सीधे जवाब हमारे साथ विनोद चमोली खुद मौजूद है विनोद चमोली जी बहुत बहुत स्वागत है दो कदम में आपका जी नमस्कार चमोली जी आपके विकास कार्यों का भई खाता हम देख रहे थे धर्मपुर विधानसभा में तमाम एक के बाद एक कार्य किए मैं धर्मपुर पर आऊंगा लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपकी पार्टी से करूंगा बहुत लंबे अरसे की राजनीति आपकी लाई बहुत लंबा अनुभव ही रहा आप लोगों ने इस बार अब की बार साठ पार का नारा दिया है ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता आपको नहीं देखिये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हम पिछली सरकार सत्तावन विधायक लेकर आए हैं और उसके बाद में कुछ विधायकों ने और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो साठ पर तो हम वैसे ही है तो स्वाभाविक बात है जब हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो साठ की पार की लड़ाई लड़ेंगे हमको पीछे जाने के लिए तो लड़ेंगे नहीं तो सब साठ पर हम हैं ही हैं तो अब की बात साठ पार तो लाना ही है तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो पहले से आगे बढ़ने का होगा तो इसलिए अब की बार साठ पार हम बोल रहे हैं तो उसको उसको उस रूप में लेना चाहिए और करेंगे किस तरीके से सर इसे पूरा देखिए ये आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है केंद्र में पिछले सात सालों से हमारी सरकार चल रही है बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है प्रदेश में भी हमने अपनी सरकार चलाई बहुत बड़े बड़े काम उसमें किए हैं हमारे जो चेहरे हैं वो अपने आप में बड़े और अनुभवी चेहरे हैं कौन से चेहरे जितने भी लोग चुनाव मैदान में हैं आप देखिए ना कौन से चेहरे हमारे पास कमजोर हैं नहीं डबल इंजन की सरकार है ना ना डबल इंजन की की सरकार तो, में कौन से वाला चेहरे बात तो, कर तो रहे मैं आपको बता रहा कि आप कोई चेहरा भाई विधानसभा तो विधायकों ने लड़नी है जो विधायक के प्रत्याशी होंगे और किसी भी विधानसभा में, में मेरा कोई कमजोर चेहरा नहीं आज की तारीख में वो चेहरे हमको जीत दिलाते हैं क्योंकि जब सब मिलकर जुड़ता है तभी सरकारें बनती है तो हमारे पास जो प्रत्याशी हैं वो अनुभवी है वो एक अच्छे चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको लेकर हम मैदान में जा रहे का चेहरा भी होगा भी होगा लेकिन अब विनोद चमोली अगर चुनाव लड़ेगा तो उसका अपना भी तो काम है ना लेकिन आप ही दो हजार की हमारी राजनीति भी तो है दो हजार बारह में आप ही ने तो नारा दिया था खंडूरी है जरूरी आज कोई नारा नहीं कि धामी जरूरी है या नहीं आप कह रहे हमने एक नारा दिया था उस उन परिस्थितियों में वो नारा ठीक भी था कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा क्योंकि हम पहली सरकार चला रहे थे उसमें खंडूर जी के आने के बाद बहुत थोड़े एक सीट से हम लोग रह गए थे अगर एक सीट और हो गई होती तो सरकार हमारी बन गई होती तो उन परिस्थितियों में खंडूर जी का चेहरा जरूरी था वो स्लोगन भी बना और उस पर चुनाव भी हुआ और हम जीत के मुहाने पर थे हम एक सीट से कुल रह गए हो सकता है खंडूरी जी हार गए चक्र टिकट हो सकता है टिकटों के बंटवारे अगर थोड़ा सा और उस पर खंगाल लिया जाता तो सरकार बनती ना हमारी खंडूरी जी अगर चक्रव्यूह में नहीं, नहीं फंसते अपनों के अब खंडूरी जी अपनों के चक्रव्यूह में फंसे ये क्या हुआ वो गए जमाने की बातें हो गई अब तो आप नई बात हाँ, आप धामी जी की बात आगे की, तो की तो बात करिए आप आप जहाँ तक धामी जी का प्रश्न है आपने देखा होगा जब से वो आए हैं लगातार छह महीने से ऊपर हुए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं युवा महीने में युवा चेहरा है रात दिन एक रखा है फैसले त्वरित ले रहे हैं और माहौल भी बहुत अच्छा बना है तो मैं ये कह सकता एक अच्छा चेहरा हमारे पास मुख्यमंत्री के रूप में भी है लेकिन उसके साथ साथ जो सत्तर चेहरे जो पूरी फौज है वो इतनी जबरदस्त फौज है कि कांग्रेस कहीं उनके सामने टिकती नहीं अच्छा ये सुभाष मेरे सहयोगी बता भी रहे थे कि क्योंकि ये ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पत्रकारों में से एक हैं और धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत आपका रिपोर्ट कार्ड में देख रहा था और इसका आकलन मैं बतौर विधायक क्यों करूं मैं तो बतौर मेयर भी कर हाँ, सकता हूँ आपका इतना लंबा मेयर का तजुर्बा तो भी रहा आप मुझे सिर्फ ऐसे पांच कार्य दिखा दीजिए क्योंकि आपने इसमें ग्यारह लिखे हैं हाँ, मुझे पांच कार्य आप बता दीजिए धर्मपुर के मैं यही चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में विचार हो तो मैं कोई सिर्फ पांच साल का विधायक नहीं हूं जी। मैं छत्तीस साल का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं मैं एक छोटा सा सभासद भी हूं तो मैं देहरादून जैसी प्रतिष्ठित जगह का चेयरमैन भी हूँ और मैं उसके बाद दो बार यहाँ का मेयर भी हूँ और आज मैं एक ऐसी सीट से जो पहले कांग्रेस के पास होती थी आज मैं वहां से विधायक भी हूँ मैं वो कार्यकर्ता भी हूँ जो राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ता है मैं वो कार्यकर्ता भी हूँ जो एकता यात्रा में झंडा फहराने लाल चौक जाता है मैं वो विनोद चमोली भी हूँ जो राज्य निर्माण के लिए रासोका में बंद होता है जिसके एनकाउंटर के आदेश होते हैं वो संघर्ष करता है मैं वो विनोद चमोली भी हूँ जिसपे तमाम मुकदमे जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए चले हैं तो मैं सिर्फ विधायक हूँ ये मैं भी नहीं मानता हूँ मेरा इतना सारा छत्तीस साल का जो राजनीतिक कैरियर है इसमें बहुत सारे बड़े निर्णय मेरे हाथों से हुए हैं और मैं पहले पीछे बैकग्राउंड में कुछ निर्णयों पर जा रहा हूं उसके बाद मैं अपनी विधानसभा पर आऊंगा जो आपने मुझसे सवाल किया है सबसे पहले तो मैं सभासद बना था आपको जानकारी है सभासद बनने के बाद तमाम जन आंदोलन हम लोगों ने किए हैं उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड आंदोलन को हम लोगों ने जिया है मतलब आंदोलन किया नहीं आंदोलन को जिया है आज भी मैं उस परिस्थिति को महसूस कर सकता हूँ जिस माहौल में वो आंदोलन हुआ था उसके बाद उसी माहौल में नगर पालिका का चुनाव हुआ उस समय देहरादून में एक सीट विधायक की होती थी एक सीट चेयरमैन की होती थी कपूर साहब हमारे मान्य विधायक होते थे आज हमारे बीच में नहीं है उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से वो यहाँ पर विधायक होते थे और मैं चेयरमैन होता था बाईस हजार वोटों का हमारा अंतर रहा उसके बाद से मेरी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है शहर को बनाने की राज्य बनाने की लड़ाई तो चल ही रही थी शहर को बनाने की लड़ाई शुरू होती है तो जब मैं नगर अध्यक्ष बना तो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी जो आस का क्षेत्र था वो सारा उसका कॉलोनाइजेशन हो गया था और स्वाभाविक तौर पर सब लोग देहरादून के अंदर आते थे मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब तक हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे जब तक बाहर हम विकास नहीं देंगे विकसित नहीं करेंगे तो शहर में कंजेशन बढ़ेगा पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा आएगा घन तो बढ़ेगा तो मुझे लगा कि शहर का विस्तार करना चाहिए इसको नगर निगम बना देना चाहिए और मैंने मात्र एक साल दस महीने में देहरादून को नगर निगम बनाया यूपी के जमाने में ग्यारहवा नगर निगम बना था उस पूरे यूपी के अंदर जी और अपने आप में एक बड़ी घटना थी क्योंकि नगरपालिकाओं से कभी भी निगम का प्रस्ताव नहीं जाता क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष हटना पड़ता है मेरे सामने प्रस्ताव आया था कि साहब या तो नगर निगम बनेगा या आप अध्यक्ष रहेंगे तो मैंने कहा मुझे अध्यक्ष से हटना मंजूर है लेकिन देहरादून नगर निगम बनाना चाहिए क्योंकि भविष्य की नींव डालने की बात थी और आपने देखा उसके बाद नगर निगम बना मुझे अबधस्त होना पड़ा एक साल दस महीने में लेकिन आज जो देहरादून खड़ा है जो देहरादून की नींव है वो नगर निगम इसकी नींव बना और वहां पर देहरादून खड़ा है बतौर मेयर आपका कार्यकाल या फिर विधायक आप आप कैसे आकलन मैं, मैं आ रहा हूं विषय पर उसके बाद निगम बन गया एरिया बढ़ गया फिर मुझे 2008 में फिर मेयर के तौर पर काम करने का अवसर मिला 2008 में जब मेरी शुरुआत हुई तो आपने देहरादून का चक्रोतर आज भी देखा होगा जी। जब मैं चेयरमैन रहा तब मैं उसको मैंने आगे का हिस्सा किया था कैपरी वगैरह क्षेत्र मैंने बड़े चौड़े के अतिक्रमण हटाया था मैंने आते ही एक प्रेस में कहा था कि शायद मेरी वापसी रोड चौड़ीकरण के लिए हुई है और वो मैं कर गया उस दौरान वो एक बड़ा काम था अपने आप में दर्द के लिए बॉटल नेक था आड़त बाजार का एक इश्यू रहता है वो भी इस समय उसमें है पाइपलाइन में है इसमें मैंने नहीं जोड़ा ये मैं, तो बहुत थोड़ा रहा है आपको मैं बता रहा हूँ वो मार रहा हूँ मैं उसमें ये बहुत इसको अगर पकड़ के देखेंगे तो आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मेरे कार्यकर्ता मैं बता रहा हूँ आपको ना क्योंकि खुद ही कहा ना बाईपास ना जी कि विनोद चमोली को यहां से देखना पड़ेगा पहले से देखना पड़ेगा तो मैं पहले से यहां आ रहा हूं अब बताता हूं तो मैं आप ये तो मेरे कार्यकर्ता ने एक सामान्य तौर पर कार्यकर्ता मीटिंग थके लिए निकाला है अभी जब मैं निकालूगा तब देख रहा ना क्या क्या है उसमें तो मेरा कुल मिला के यहाँ पर यह काम हुआ जो मेरे दिमाग में एक बार फीड हो जाता है वो जाता नहीं है आड़त बाजार मेरे दिमाग में आज तक फीड है क्योंकि चेयरमैन के टाइम पे मैं उसको चौड़ा कर रहा था कर नहीं पाया था क्योंकि प्रदेश सरकार का इंटरफेरेंस हो गया था यूपी विरोध भी हुआ यूपी में बहुत विरोध भी झेला मैं अपनों का विरोध झेला था मैंने तो उसके बाद मैंने वो स्मार्ट सिटी में ले गया हूँ आज एम के पास वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसको चौड़ीकरण का अट्ठावन करोड़ रुपए की लागत उसमें आनी है वगैरह जो भी देना है तो वो इस समय प्रोसेस में स्मार्ट सिटी में चल रहा है तो मैं आज भी उस उस इशू को पकड़ के मैं चल रहा पर काम कर रहा हूँ देहरादून 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 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देहरादून में चल रहा है उस पर काम हो रहा है और जहां तक जल भराव का समस्या पूरा देहरादून नहीं है स्मार्ट सिटी में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए साढ़े दस वार्ड ऐसे हैं जो कोर सिटी है उस जो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है उसमें कुछ हमारे पेन जो हमारे पेन देहरादून है पूरा देहरादून है उसमें कुछ हमने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं जैसे आई के प्रोजेक्ट लिए हुए हैं और जैसे मैं आड़त बाजार वाला जी वाला उसमें उसमें जोड़ा है कुछ सड़कों को उसमें जोड़े हैं लेकिन कंप्लीट देहरादून आज भी जो है स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है ठीक ये बात हमको समझ नहीं पड़ेगी

लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे ही कुछ लोगों ने उसका विरोध किया किन्होंने में तमाम लोग थे जिन्होंने उसका विरोध किया।, किया लेकिन सरकार भी आई फिर भी कर सकते थे आप भाई हमारे लोग उस समय विरोध में तो अपनी सरकार में क्यों करते नहीं त्रिवेंद्र अब... सिंह रावत सरकार थी तब उस वक्त ला सकते नहीं मैंने उस समय समय नहीं मिला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में हमको पंद्रह दिन का टाइम मिला स्मार्ट सिटी नहीं नहीं तो सिटी की लास्ट लिस्ट क्लियर हो रही थी लेकिन और अगर हम 15 दिन उसको सिर्फ अंदाज लगा देने से समाधान नहीं होते ना ही कोई काम होते हैं उसको समझना पड़ेगा कहां पर दिक्कतें क्या थी और क्या कर पाए क्या करना बाकी है मैंने कहा ना आपको मैं एक ग्रीन सिटी बनाने के पक्ष में था और जिसमें मैं सेटेलाइट सिटी बनाना चाहता था जिसके लिए मैंने चाय बागान का एरिया चुना था जिसमें एम हम लगातार प्रयास कर रहे थे सरकार ने भी प्रयास किए लेकिन उसमें कुछ विरोध खड़े हुए और विरोध खड़े होने के बाद वो नहीं हो पाया तो फिर बाद में जो और प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी में जो हैं उसके अंदर भी रिजनोवेशन है और तमाम चीज़ें हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट लेने पड़े हमको तो फिर हमने कोर सिटी उसमें लिया जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एरिया है वो उसमें लिया

लगता है आपको ये आपका मेरा, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है नहीं आपको लगता है उस लिस्ट में आपका नाम है मुझे क्या मालूम मैं जब चर्चा ही नहीं करता लिस्ट है ऐसी मुझे नहीं मालूम और ऐसी लिस्ट होती भी नहीं है किसी पार्टी के पास नहीं होती एक एक सीट पर चर्चाएं होती तो फिर ये कौन फैला रहा है विधायकों के टिकट कट रहे हैं और उसमें विनोद चमोली मीडिया चलाता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो चाहते होंगे, होंगे मैं ना बनू वो बातें करते लगता है सर आपकी पार्टी में लेकिन ऐसा होता नहीं है कार्यकर्ता भी कुछ ऐसे है जो इस तरीके की अफवाह विधानसभा में फैलाते हैं मेरी पार्टी में क्यों है सारी पार्टियों में होते हैं जिन लोगों को आगे आना होगा जब तो आगे वाले धक्का नहीं मारेंगे आगे आएंगे नहीं तो उनको आगे आना तो उनको तो आपके खिलाफ कौन ऐसा बना रहा है आपकी विधानसभा में कि चमोली जी को टिकट नहीं मिल रहा

स्वाभाविक बात है राजनीति में काम करें तो आगे बढ़ने की एक ललक होती है कि मुझे मौका मिले मैं आगे बढ़ू और अपने को अच्छे ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कई बार कुछ लोग जो सीम एक रेखा होती है लक्ष्मण रेखा होती है उसे लांग। उसको लांग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़ा, बड़ा आत्मघाती तो कदम होते हैं किसी भी कार्यकर्ता के लिए मैं ही हूं तो मेरे लिए लागू होता है सब पर लागू होता है तो मेरा संदर्भ यह है कि भाई हम जब फील्ड में काम कर रहे हैं अब मान लीजिए कल मैं आज की तारीख में मैं विधायक हूँ मेरा कार्यकर्ता फील्ड में जाता है और वो अपनी इमेज को बेहतर दिखाने के चक्कर में मेरी इमेज को खराब करता है मान लीजिए मैं खराब हूँ उसके कहने से नहीं होऊंगा मैं जैसा हूँ दुनिया जानती है कार्यकर्ता जानते एक कार्यकर्ता से भी नहीं तो होते बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं सब जानते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने अपने कारणों से अपने निजी कारणों से हम लोगों की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं वो कोई भी हो सकता है नहीं वो कौन किसी भी पार्टी में हो सकता है आपकी आपकी छवि छवि कौन कौन एक जनरल जनरल बात है, एक चीज़ है चीज़ कि आप साल से जनसेवा में मैं मैं कार्यकर्ता मैं, 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 का मैं सामान्य कार्यकर्ता नहीं हूँ सुन लीजिए मैं सामान्य कार्यकर्ता नहीं हूँ छत्तीस साल जो आदमी काम कर लेता है वो मास्टर भी हो जाता है टीचर भी हो जाता है जब हम कार्यकर्ताओं को समझाते और सिखाते हैं तो उनको कुछ बातें कहनी पड़ती हैं

और वो कहता है कि साहब विधायक हमारा विधायक से लोग नाराज है मान लीजिए अपनी छवि सुधारने के लिए या अपने कारणों से और कल आपको वोट मांगने जाना पड़ता है तो वोट तो आप फिलहाल मेरे पांच साल के कार्यकाल पे तो मांगेंगे ना जी चुनाव कोई भी लड़ेगा मैं लड़ूंगा तो मांगूंगा ही लेकिन कोई भी लड़ेगा क्योंकि पांच साल वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है तो जनता उससे पांच साल का हिसाब तो मांगेगी नहीं मांगे बिल्कुल वो कोई भी लड़े

आप समझाने की कोशिश कार्यकर्ताओं को कर रहे थे आपके ही कार्यकर्ता थे लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया आपके खिलाफ वीडियो वायरल किया गया तो ऐसा ना आप तो सोशल मीडिया के मास्टर हैं ढूंढिए वो कहाँ से हुआ है भस्मासुर आप ही पता करना पड़ेगा मैं तो पता करता नहीं मेरी आदत नहीं पता नहीं आपको तो अंदेशा है ना भस्मासुर ने बताया वायरल हो रहा है तो मैंने पूछा क्या है मुझे फोन आया था एक मैंने कहा हम तो सामान्य तौर पर समझाया जाता अपनी बात समझा रहे थे भस्मसुर है मतलब अब उसमें लोगों ने कहा है कोई भस्मसुर आपके पास? अरे इस देश में भसमासुर ने शिव जी को नहीं छोड़ा यार मेरी औकात क्या है पता नहीं इतना बड़ा समुद्र है एक करोड़ का देश है कितने लोग होंगे इसमें कितने भस्मासुर होंगे अब एक एक करके चिन्हित थोड़ ना किए जाएंगे

कि कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी वहां चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है उसको लगता है कि मैं भी जीत जाऊंगा आज जो सीट कभी भाजपा से बहुत दूर हुआ करती थी उस सीट पर हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी वहां चुनाव लड़ना चाहता है ये मेरी जीत है बड़े नेताओं नेता का कोई तो नहीं है, है। चमोली जी कोई बड़े नेताओं का चाहिए तो नहीं है जो यहां से चुनाव लड़ना चाहता नहीं नहीं ऐसा कौन किसका चाहता हो सब हमारे चाहते हैं

और आपने कई कार्यकाल कार मुख्यमंत्रियों को देखे आप सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत या धामे सिंह देखिए अलग अलग तीनों का अलग अलग कैरेक्टर है त्रिवेंद्र जी को मैं जिस रूप में देखता हूं उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए जो दूरगामी थे उत्तराखंड को आगे ले जाने वाले निर्णय थे जैसे आज हम अटल आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान योजना पूरे देश में चली लेकिन मात्र पांच लाख परिवार उत्तराखंड के उसमें आ रहे थे ये त्रिवेंद जी थे जिन्होंने कहा कि हम हंड्रेड परसेंट स्वास्थ्य कवर देंगे हंड्रेड परसेंट मामल, मामली बात नहीं है आज पूरे उत्तराखंड को हर व्यक्ति को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है उसका लाभ वो ले रहे ये बड़ा निर्णय था अपने आप में इसी प्रकार गैरसैन एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार बना रहा कांग्रेस ने भी उस पर राजनीति बहुत की

मेरी दृष्टि में वो गलत निर्णय नहीं है उसमें हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कतें हुई होंगी उनका आगे समायोजन हो सकता था उसका संशोधन हो सकता था लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक निर्णय था और बड़ा साहसिक निर्णय था वो भी उनके द्वारा लिया गया तो ऐसे कुछ बड़े निर्णय आज घसियारी योजना हमने स्टार्ट की ये भी उसी दौरान

और फिर हम उसकी जांच कराएं उस पर लोगों को आरोपित करें या बंद करें आप ये करें। उससे उससे आदर्श स्थिति ये है कि हम ऐसी सरकार चलाएं कि जिसमें ये सब नवबत्ती ना आए वो आदर्श स्थिति है तो एक आदर्श सरकार चलाने की उन्होंने कोशिश की और काफी हद तक उसको उन्होंने चलाया भी तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़े और साहसिक निर्णय त्रिवेन्द्र जी के समय पर लिए गए उसके बाद तीरथ जी हमारे बीच में आए तीरथ जी भी हमारे बहुत पुराने बहुत सहज कार्यकर्ता हैं अच्छे कार्यकर्ता है लेकिन कुछ वातावरण ऐसा बना कि उनके बारे में लेना पड़ा और को लाया गया। ना आज धामी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा गारंटी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मान के चलता हूं उनके चेहरे पे चुनाव होने जा रहा हूं उनके नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है अब जिनके नेतृत्व में बहुमत लेकर आएंगे मुख्यमंत्री तो उसको बनना चाहिए ना क्यों नहीं बनना चाहिए

उसके कारण जो दिक्कतें पैदा हो रही थी क्योंकि हम चुनाव में जाने वाले थे और हमारे पास इतना हम कर, त्रिवेण जी, जी उसमें कहीं पर भी डिफॉल्टर नहीं है मेरा ऐसा मानना है तो हम मानते हैं कमिश्नरी तो को लेकर उनके निर्णयों के कारण जो बड़े निर्णय और कड़े निर्णय जो मैंने कहा ना जो हर किसी के बस का नहीं है बड़ा निर्णय सरकार ने कर लिया। ने आपको कहे तो ये कोई कारण रहे होंगे जिसके कारण संभव तो हुआ होगा प्रवींद जी को भी कहा भाई आपका लेकिन है कि पार्टी का न तो हमारे कार्यक्रम बदले न हमारी नीति बदली पार्टी चेहरे बदलते चेहरे बदले चेहरे बदलते चेहरे हमारे भाई किसके नहीं बदले मुझे बताओ ना कांग्रेस में नहीं बदले कांग्रेस ने ना नहीं दो तो बदले उन्होंने भी हमने एक ज्यादा कर कर दी तो कौन कांग्रेस में बताओ ना जब तक हरीश रावत रहे नारायण दत्त तिवाड़ी को सरकार चलाने के लिए राइवल हरीश रावत थे सामने खड़े जो आज तीन मुख्यमंत्रियों की बात करते बुनियाद रखने वाले हरीश तो रावत है दिखाड़ा, दिखाड़ा। हम बता रहे आपको आज तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस प्रदेश को डिरेल किया है तो श्रीमान हरीश रावत जी ने किया जब पहली चुनी हुई सरकार आई थी नारायण दत्त तिवारी जी की नारायण दत्त तिवारी जी को चैन से नहीं बैठने दें महाशय पूरा उत्तराखंड जानता है नारायण दत्त तिवारी को अपने साख बचाने के लिए क्योंकि बहुत बड़े कद थे कि पांच साल किस तरह कंटिन्यू कर जाए इस प्रदेश के अंदर साढ़े तीन सौ लालबत्तियां बांटनी पड़ी इस प्रदेश के अंदर विवेका दिन को उसकी बंदर बाट करनी पड़ी नारायण दत्त तिवारी रात सो नहीं पाए काम कर नहीं पाए जितना थोड़ा बहुत ये इंडस्ट्रियल पैकेज वगैरह अटल जी की मेहरबानी थी उस समय मिल गया स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था हमें तो ये थोड़ा बहुत काम वो कर पाए जिसको आज हम आज गिनाते हैं वो भी अटल जी की कृपा थी बता रहा हूँ आपको अन्यथा नरेंद्र तिवारी जी तो एक दिन चलने नहीं दिए इन्होंने उसके बाद विजय भोगुना जी बन गए रोज लेटर बम फोड़ते थे ये बम फोड़ने की आदत बहुत है ना अभी मुख्यमंत्री पे भी अभी प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी वाले मामले में उन्होंने आधा घंटा रुक गया तो कौन सा बम फूट जाता इनको बम फोड़ने की बड़ी आदत है पता नहीं क्या शौक सो बम फोड़ने का जी को भी अभी या तो कभी इन्होंने बम फोड़े होंगे ऐसे कुछ काम किए होंगे मुझे लगता है इन्होंने लेटर बम याद है आपको जी उस जी समय, समय आप तो उस समय मीडिया देख रहे थे हर समय लेटर बम चलता था इनका लेटर बम ही का। मीडिया और जब तक इन्होंने विजय बोगुड़ा जी को उतार नहीं दिया तब तक ये महाश चैन से नहीं बैठे उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनकर आए नहीं बॉगड़ा जीत सुनिए लेकिन हटाए तो बोगुड़ा जी पहले ही थे ना हमने तो, तो नहीं हटाए ना कांग्रेस ने हटाया ना आज भी बोगुडा जी हमारे साथ मैं ही कह रहा हूँ बहगुणा जी को हटाने के बाद भी या तो उनको चैन आ जाता है भाई चलो मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद इन्होंने अपनी जो जो तोड़ने की नीति है जो हटधर्मिता इनके अंदर है वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी, भी मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने किया और उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस टूट गई कांग्रेस टूट गई आपने तोड़ तो, तो कुल मिला मैंने नहीं टूटी तोड़ी कांग्रेस स्वयं टूटी ये जरूर है कि वो हमारे साथ सम्मिलित हो गए बाद में हमने उनका उपयोग किया वो हमारे कार्यकर्ता है आज की तारीख में लेकिन टूटी तो चले जाए टूट कोई नहीं जा रहा है टूटी तो उनके कारणों से ना तो कुल मिला के हरीश रावत जी इस पूरे उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से के आज तक एक बिलियन की भूमिका में है उत्तराखंड की राजनीति के लिए मैं उनको उस रूप में देखता हूँ सबसे बड़े सबसे बड़े बिलियन है ये किसी को चैन से यार काम करने नहीं देते हैं किसी सरकार को टिकने नहीं देते हैं किसी मुख्यमंत्री को रहने नहीं देते हैं ये सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए सारा ताना बाना बीनते रहते हैं और आज भी वो जो तीन की बात हम कर रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हरीश रावत जी के टाइम पर दो मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी बदले एनडी तिवारी जी को मैंने आपको हाल गिना दिया दो मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी बदले और इनको बदल देते तो शायद कांग्रेस बच जाती क्योंकि बदले नहीं इसलिए कांग्रेस ही टूट गई वो हरीश रावत है और हमने और हमारे यहाँ तीन मुख्यमंत्री बने तीसरे तो हैं तीनों तीनों के तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। चूं तक नहीं की सब पार्टी के अनुशासन में काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया माहौल आज की मुख्यमंत्री सारे ठीक थे मेरे मुख्यमंत्री थे थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वर्ग दिया जी धर्मपुर में चमोली जी को देखेंगे ऐसी उम्मीद है अपेक्षा थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ विनोद चमोली जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा अगली बार होगी एक नई शक्तियत से मुलाकात मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ को दी इजाजत नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड